तो गाइस आज हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल नहाने। अभी मेरे साथ हेमंत है और हम अपनी एनएस पे जा रहे हैं। बाकी तीन चार लोग निकल गए, चार लोग हैं एक्चुअली, लेकिन वो पहले निकल गए, हम तो उन्हें पकड़ लेंगे एनएस से। तो चलो चलते हैं। बैठ भाई हेमंत, हेलमेट लगा ले। यस ब्रो, डन। तो बहुत दिनों से मन था हमारा स्विमिंग पूल में नहाने का, तो आज हमारा वो दिन पूरा होगा। लास्ट व्लॉग हमारा राजस्थान का था, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं है। बीच में मैं गया था खाटू श्याम, लेकिन हम गाड़ी से गए थे तो इसलिए वीडियो बना नहीं पाया, क्योंकि गाड़ी मैंने ही चलाई थी। लेकिन बाइक में तो बना सकते हैं, क्योंकि हम हेलमेट में माउंट लगा के बनाते हैं, तो ये थोड़ा इजी है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी में वीडियो रिकॉर्ड करने का, क्योंकि गाड़ी में हेलमेट लगा के नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी। तो चलते हैं, पहले तो हम पकड़ते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ जा रहे थे। अब हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं। मेरी बाइक भी बहुत गंदी हो रही है। ऐसी बात नहीं, मैं बाइक साफ़ नहीं करता। मैंने कल नहीं, फ्राइडे को बाइक धोई मैंने। धो के ऑफिस में पार्किंग में खड़ी करी, वहाँ पे कबूतर चिड़िया सब ने उस पर हक दिया, और फिर पता है उसके बाद बाइक कैसी हो जाती है, और तो वो वैसी ही हो गई। सोच रहा था सुबह धोऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या फ़ायदा सुबह धो के शाम को खड़ी करूँगा। चलो हम निकल गए इस ट्रैफिक लाइट से। तो वो लोग कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन मिल जाएंगे शायद, क्योंकि रास्ता हम दोनों में से किसी को नहीं पता कि वो स्विमिंग पूल कहाँ पे है। हम पहले जाते थे जिस स्विमिंग पूल में, वो दूर था, वो गाज़ियाबाद में था, मतलब एक तरफ से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता था, और ये वाला आई डोंट नो, पर 15 किलोमीटर तो ये भी हो गई, ध्यान नहीं दिया। तो फिर से वही ट्रैफिक रूल्स का फॉलो कर, पर देखो इन सब के चलान कटेंगे। इस वाले कैमरों पे चलान आते हैं लाइट के, जो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग करके खड़ा था। फाइनली हम सारी लाइटों को क्रॉस करके हम आ गए नोएडा एक्सटेंशन ब्रिज पे। पता नहीं इस ब्रिज का नाम क्या है, बोलिए। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें से एक दिन मैं अपना प्राइवेट जेट निकालूंगा बीच वाले स्पेस से। मतलब जेट मतलब वो फाइटर वाला छोटा होता ना, वो निकल जाएगा टेढ़ा करके। तब तक वेट करते हैं, देखना जरूर, इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। अभी हम पहले पकड़ते हैं अपने दोस्तों को, एक स्कूटी से है एक बाइक से है, मतलब हाँ चार लोग हैं हम। शायद वो लोग अभी यहीं तक पहुंचे होंगे, मेबी, या वो किसी और रास्ते से भी गए हो सकते हैं। यार एक तो दिल्ली में इतने सारे रास्ते हैं, क्या करें, कोई किसी भी रास्ते से चला जाता है।
और हम ज़्यादा तेज भी चलाएंगे क्योंकि हेमंत को डर लग जाता है। क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो क्या हुआ, कॉल करके पूछ लेंगे, लोकेशन मंगा लेंगे व्हाट्सएप पे और हम आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है शायद हमने उन्हें पकड़ लिया। नहीं, ये स्कूटी नहीं है, ये स्कूटी है। कहाँ है वो लोग? मुझे ऐसा फील हो रहा है वो हमारे आसपास ही हैं, अभी ज़्यादा दूर नहीं है हमसे। हाँ, हमें पानी की बोतल भी लेने नहीं चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से धूप हो रही है, रोड की स्मेल आ रही है, रोड की जो तारकोल रोड पे बिछा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो पानी की बोतल हम ज़रूर लेंगे क्योंकि हमने वैसे घर से ली नहीं, सोचा वहाँ मिल ले लेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी पीने लायक थोड़ी ना होता है कि हम नहा के पी लेंगे। तो हम अभी रास्ते से पानी की बोतल लेंगे। मेरी दुकान लेफ्ट साइड, हम उससे बोतल लेंगे पानी की। पानी की बोतल है भाई, ठंडी पानी की बोतल दे दो, ले लेते हैं ना, वहीं पी लेंगे। गाइस थोड़ा सा भटक के ही सही, लेकिन हम स्विमिंग पूल पे पहुंच गए और देखो यहाँ ज्यादा क्राउड भी नहीं है, मस्त मजा आएगा नहाने में। और ये रहे अपने बंदे जो ऑलरेडी पहुंचे हुए थे। ये अपने बंदे हैं।
सब नहा लिए और इतना नहाए, बताओ गाइस कैसा लगा नहा के? बहुत मजा आया, हम सब साथ में आए थे और 2 बज गए, हम 11 बजे आए थे, तो बहुत मजे करे। लोग देखना, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय 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 बाय।